अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट करना था यार। मुझे एक न्यूज़ मशहूर हुई है जो कि बड़ी तशवीशनाक न्यूज़ है और उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको होस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उसको पाकिस्तान ने होस्ट करना है। इसमें 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। पाकिस्तान को एज अ होस्ट इस जो है वो अक्सर इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। बकिया जो 7 टीमें हैं वो जो आईसीसी रैंकिंग में टॉप 7 पोजीशन पे होंगी, टॉप 8 पोजीशन में होंगी, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और जो इस चैंपियन ट्रॉफी का फॉर्मेट रखा गया है वो 50 ओवर्स का है, वन डे खेला जाएगा। तो उस हवाले से एक न्यूज थी। और एक आईसीसी के हेडक्वार्टर, आईसीसी हेडक्वार्टर में दुबई में ब्रॉडकास्टर और जो इनके स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान एक अहम बातचीत हुई, और वो बातचीत ये है कि इस जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फॉर्मेट को चेंज करने की बात की गई। क्यों, क्या बात की गई कि 50 ओवर से लेकर 50 ओवर से इसको कम करके T20 तक इसको लिमिट कर दिया जाए ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दें। और अगर इसको जो ये तजवीज़ दी गई है वो इस वजह से दी गई है कि जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक वन डे और T20 को अगर कंपेरिजन किया जाए तो जो 50 ओवर लोग देखते हैं उसमें 20% जो है डिक्लाइन देखा गया है। लोग वन डे मैचेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं ले रहे। तो इस हवाले से जो है वो इसको चेंज करने की कोशिश की गई है। मगर मैं आपको इसके अलावा भी बताता चलूँ, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट के हवाले से जो है वन डे फॉर्मेट को भी तरजीह दी है। और अगर मैं आईसीसी के ऑलराउंडरान जो हैं, जो उनके अब बड़े नाम हैं, उन्होंने भी वन डे ही फॉर्मेट को तरजीह दी है। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ तो अब पता नहीं होता क्या है, ये तो बड़ी एक मुश्किल चीज़ हो जाएगी। वन डे का फॉर्मेट है, आगे ही टेस्ट क्रिकेट और जो वन डे क्रिकेट है उसका डिक्लाइन होता जा रहा है। तो अगर अब आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते तो अब फिर तो ये काम खराब हो जाएगा। सिर्फ T20 क्रिकेट ही हर तरफ हो रही है। अगर मैं लीग्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी लीग्स हैं जो T20 फॉर्मेट पर मुश्तमल है। नो डाउट एक छोटा सा फॉर्मेट है, इतना टाइम कम लगता है और फिर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई देते हैं, एंटरटेनिंग ज़्यादा है। मगर फिर आपने टेस्ट क्रिकेट को भी बचाना है और वन डे क्रिकेट को भी बचाना है, इस सिलसिले में ये फॉर्मेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और जो है उम्मीद है कि जो, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो आईसीसी ने इसको जो वन डे फॉर्मेट है इसको, इसके जो हुक फ्रोथ किए हैं, जो इसके जो राइट्स हैं वो उसके फोल्ड आउट किया इसको, तो ये वन डे के हैं। और अगर आप इनको चेंज करना है तो काफ़ी इनको तगड़ो करनी पड़ेगी और स्टेक होल्डर से बातचीत करना होगी, तो फिर ये चेंज हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इट्स क्वाइट लुकिंग लाइक इम्पॉसिबल कि इसको चेंज किया जा सके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करें कि वन डे फॉर्मेट ही और पाकिस्तान में ही हो, कोई मसला मसाइल ना आए, तमाम टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आके खेलें। अभी तमाम टीमें तकरीबन आके खेल चुकी हैं सवाई इंडिया के, और इंडिया को भी जल्द ही पाकिस्तान का विजिट करना चाहिए। उससे पहले आप सब जानते हैं जी विराट कोहली जो पाकिस्तानी को पैमा है, उन्होंने शहरोज काशिप से बात करते हुए इस चीज़ का भी मैसेज दिया कि वो पाकिस्तान का विजिट करना चाहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा साइन है। और होपफुली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो उसका फॉर्मेट 50 ओवर का ही और पाकिस्तान में ही हो और एक कामयाब टूर्नामेंट हो। और इस हवाले से आप भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, क्या T20 का फॉर्मेट होना चाहिए या फिर 50 ओवर का। तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।